फिरोजाबाद के अस्पताल में बच्चे की मौत के बाद हंगामा। फिरोजाबाद के थाना उत्तर क्षेत्र के बम्बा चौराहे पर स्थित एक हॉस्पिटल में एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इस दुखद घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। फिरोजाबाद के बम्बा चौराहे पर स्थित इस अस्पताल के बाहर खड़े हैं, जहां आज सुबह एक 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। ये बच्चा अपने माता पिता का इकलौता संतान था। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर को बुखार था और उसे उसके माता पिता आज सुबह इस अस्पताल में भर्ती कराए थे, लेकिन कुछ ही समय बाद बच्चे की मौत हो गई। इस दर्दनाक खबर के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस को मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में किया गया, लेकिन चंद्रशेखर के माता पिता का कहना है कि लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है। अगर सही समय पर इलाज होता तो उनके बच्चे की जान बचाई जा सकती थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम। ये जो हॉस्पिटल में घटना हुई है, क्या घटना हुई है? मेरा भतीजा है, 12 का बच्चा है, चंद्रशेखर नाम है। तो उसको 3 दिन पहले घर आया, घर आने के बाद में यहाँ पर लेके आया गया। सुबह 10 बजे यहाँ पर गवर्नमेंट स्टॉप का उसने अपनी मर्जी से दवा लगाई है, अपनी मर्जी से जाँच कराई है। यहाँ पर उसने मेरा कोई भी डॉक्टर बच्चे को देखने नहीं आया, नहीं उसने कोई ट्रीटमेंट को जाँच किया। बच्चे का नाम क्या है, कितनी उम्र है? बच्चे का नाम चंद्रशेखर है, बच्चे की उम्र 12 साल है। बच्चे का नाम मंत्री बच्चे की माता है मीना देवी। कहाँ रहता है बच्चा? अब डॉक्टर का क्या, डॉक्टर का क्या कहना है? डॉक्टर आए नहीं है अभी, अभी आए नहीं। वो फरार है, डॉक्टर फरार है। बच्चा 11 बजे भर्ती गया, उसके बाद में बच्चे को 11 बजे ट्रीटमेंट लगाया। आधे घंटे बाद बच्चे का ट्रीटमेंट लगाया, उसमें कोई घर होता नहीं, कोई दवा नहीं है ट्रीटमेंट पर, और बच्चे का कोई भी बीपी वाइटल वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया।